बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलता पाकिस्तान और मैं हूं इनाम शेख। अगर पाक चीन दोस्ती की बात की जाए, पाक चीन ताल्लुकात की बात की जाए, तो पाकिस्तान ने चीन से एडवांस वॉरशिप खरीदी है जिसका नाम है फ्रिगेट 054 AP। ये वो वॉरशिप है जिसके ऊपर आप न्यूक्लियर मिज़ाइल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेटेस्ट और बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद साजो सामान से लेस ये वॉरशिप ये पाकिस्तान नेवी को दी जा रही है। इस किस्म की 3 और वॉरशिप्स अगले साल तक पाकिस्तान नेवी को दे दी जाएंगी, जिससे पाकिस्तान नेवी की सलाहियत बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पर निकल जाएंगी। भारत जो अपना मान किया करता था कि हमारे पास राफेल आ गया है, ये वॉरशिप्स ये एयर टू एयर ग्राउंड टू एयर भी मिसाइल सेंड कर सकते हैं और ग्राउंड टू ग्राउंड भी मिसाइल सेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने चीन से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीद लिया है और पाकिस्तान ने बगैर इंसान के आर्मर्ड व्हीकल, अनमैंड आर्मर्ड व्हीकल खरीदी हैं और एसएस व्हीकल्स भी खरीदी हैं, जो कि पहाड़ी इलाकों में या उन इलाकों में उन चोटियों में जहां पे जाने के रास्ते बड़े दुश्वार गुजार हैं, ये उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, वो वाली व्हीकल्स भी पाकिस्तान ने खरीदी हैं। कुछ पाकिस्तान ने जदीद तरीन ड्रोन वो भी चाइना से खरीदे हैं, जो कि अमेरिकन ड्रोन से भी ज़्यादा एडवांस हैं। जी हाँ, ये अमेरिकन ड्रोन से भी ज़्यादा एडवांस हैं, ये न्यूक्लियर वॉर वेपन्स कैरी कर सकते हैं और बड़ा प्रिसाइज अपने आप निशाने के ऊपर हिट करते हैं। प्लूटोनियम बेस्ड वॉरहेड्स भी कैरी कर सकते हैं और पाकिस्तान ने सर्वेलेंस सेटेलाइट भी चाइना की मदद से एक हासिल कर लिया है। अभी तक इंडिया के पास, यानी कि इंडिया की रॉ के पास इंटेलिजेंस के लिए तकरीबन 9 सेटेलाइट थे। अब पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान के ISI के पास भी एक सेटेलाइट है जिसके थ्रू हम बकायदा दुश्मन ममालिक के ऊपर सर्वेलेंस भी कर सकेंगे, उन पर नज़र भी रख सकेंगे और उनकी कोई भी गलत हरकत हमें पहले से इंटीमेशन हो जाया करेगी, हमें बंद पड़ जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान और चीन ने अभी अभी बहरे हिंद के अंदर अपनी मशकें भी मुकम्मल की हैं, जिसमें पाकिस्तान और चीन ने मिल के कोशिश की है कि पूरे इलाके को मैरीटाइम के साथ मिल के उन्होंने कोशिश की है पूरे इलाके को किस तरह सेव किया जाना है, इसके ऊपर भी बेपनाह काम हुआ है। मेजर जनरल आमिर नवाज ने भारत का ये क्लेम बिल्कुल मुस्तरद कर दिया कि कश्मीर पे पाकिस्तान और चीन मिल के उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान को किसी की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ने पिछली दफ़ा आपको दिखा दिया था कि जब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया था भारतीय जहाज़ों ने, तो पाकिस्तान ने उसका नतीजा उनको दिखा दिया था। पाकिस्तान ने उनको बता दिया था कि हमारी आर्मी कितनी तैयार है और हमारी अपनी कितनी तैयारी है, और भारत को ये भी चैलेंज किया गया था कि अगर आपको यह शक है कि हमारी तैयारी नहीं है तो इस दफ़ा अपने राइफल तैयारी को लेके आइए, फिर तमाशा देखिएगा कि आपके साथ क्या होता है। मेजर जनरल आमिर नवाज ने यह भी कहा है कि पूरे भारत के अंदर वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, कश्मीर बॉर्डर, उस पर आपने हर किस्म की माइंस बिछाई हुई हैं, बाड़ लगाई हुई है, सर्वेलेंस लगाई हुई है, लेटेस्ट कैमराज लगाए हुए हैं और फिर आपके पास सेटेलाइट टेक्नोलॉजी भी है। उसके बावजूद अगर कोई उधर इन्फिल्ट्रेट कर जाता है तो फिर इंडियन आर्मी को सोचना चाहिए कि उनके अंदर मसला कहाँ पर है। अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो सब कहिए इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, पाकिस्तान से दहशतगर्द जा रहे हैं, तो फिर भारत को सोचना चाहिए कि उनके यहाँ गलती कहाँ पे है। दूसरी तरफ आप देखिए, हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब निज़ाम तालीम यकसा किया जाएगा। क्या ही अच्छा हो अगर ये यकसा निज़ाम तालीम अंग्रेज़ी में हो, ताकि हमारे बच्चे जब पढ़ के निकलें या हमारे लड़के बच्चे जो बाहर नौकरी के लिए जाएं, तो उनके लिए वो दिक्कत ना हो कि उनको उधर की ज़बान समझ ना आए, उनके लिए टेक्नोलॉजी हासिल करना मुश्किल हो, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादातर काम इंग्लिश में हो रहा है, तो उनको अंग्रेज़ी के ऊपर बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। भारत में कोरोना वबा बड़ी तेज़ी से फैल रही है। अमेरिका के बाद भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे कोरोना बहुत तेज़ी से फैला है और अभी तक उनके काबू से बिल्कुल बाहर है। इसके ऊपर भी भारत को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। कोरोना वबा और अमेरिकी सदारती इलेक्शन, अमेरिका ने देखिए ज़रा आप अमेरिका की टेक्नोलॉजी देखिए कि सदारती इलेक्शन के लिए उन्होंने कहा लोगों को क्यू में आने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पोलिंग बूथ में आने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर से अपने डाकखाने में जाके आप अपना वोट कास्ट कर दें, वो हमें मिल जाएगा, उसकी हम ऑथेंटिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और आपका वोट कास्ट होगा। इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राय शुमारी में हिस्सा लें, इलेक्शन में हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आने शुरू हो जाएं। हालांकि सदर ट्रंप ने कहा है कि ये बड़ा गलत तरीका है, लेकिन उनके जो इलेक्शन कमीशन है उनके मुताबिक 5 स्टेट्स में ये तरीका बड़ा कामयाबी से रहा जाए, बाकी स्टेट्स में भी ये फैला दिया जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर इलेक्शन में हर बंदे को ये सहूलत मिल जाए कि कोरोना वबा की वजह से वो नहीं जा सकता इलेक्शन बूथ तक और अपने घर से बैठे अपने सिर्फ जाके पोस्ट बॉक्स के अंदर पोस्ट कर दे, तो ये कितनी बड़ी सहूलत होगी।
पाकिस्तान ने इस साल 60,000 टन गंदम बरामद की है, पिछले साल हमने कपास बरामद की थी। क्या वजह है कि हमारी दिन ब दिन ये जितनी भी हम हालांकि अपने आप को एग्रीकल्चर मुल्क कहते हैं, ज़रई मुल्क कहते हैं, हमारी ज़रात दिन ब दिन तरक्की के बजाय ज़वाल पज़ीर है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ आज बड़ा प्रेस्टिजियस पैनल है, मेरे पहले मेहमान जनाब राना मोहम्मद अरशद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और आप एडवाइज़र रह चुके हैं पिछली गवर्नमेंट में टू दी एक्स चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। मेरे दूसरे मेहमान डॉक्टर सलीम राव साहब, सीनियर तजियाकार, पाकिस्तानी सियासत पे और खिते के हालात के ऊपर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। राना साहब, मैं आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, एक तरफ तो ये मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे बड़ा दुख होता है राना साहब जब मैं देखता हूँ कराची डूब रहा है, जब मैं थाईलैंड जाता हूँ मैं देखता हूँ दुनिया का टूरिस्ट आ रहा है, थाईलैंड तो कभी नहीं डूबा, दुबई तो कभी नहीं इस तरह डूबा, लेकिन क्या वजह है, बजाय तरक्की करने के हम लोग पीछे की तरफ आ रहे हैं। आज लाहौर के अंदर अगर बरसात होती है तो पानी 3-3 फुट हर जगह पर पानी खड़ा हो जाता है, बिजली हमारी कट जाती है, यानी कि दुनिया के अंदर ये चीज़ें नहीं हो रही, दुनिया तो अब कई एडवांस स्टेज पर चली गई है, हम अभी तक उसी दकियानुसी में पड़े हुए हैं कि आज बिजली आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, पानी निकलेगा नहीं निकलेगा। राणा साहब, मतलब एक तरफ तो हम दावा करते हैं कि हम खित्ते के अंदर हमारा बड़ा कलीदी करदार है, और दूसरी तरफ ये अंदरूनी मसाइल, इनसे कब हमारी जान छूट पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख राणा साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके टीवी चैनल का, आपकी पूरी टीम का, और आपने अपने इंटरव्यू में जो बड़े अहम और मैं समझता हूँ कि अवामी इशूज़ पर बात करने का मौका दिया है, आपने पाक चाइना दोस्ती की बात की, तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में पाक चाइना दोस्ती जो है वो एक उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और 1956 जब पाकिस्तान को ज़री आलात के साथ साथ जंगी आलात की ज़रूरत थी तो वो सबसे पहले चाइना ने ही हमें दिए थे। और अब मैं समझता हूँ क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका बहादुर ने ये जंग छेड़ दी है और असले की ख़रीदारी में जैसे वो इंडिया को इज़राइल को प्रमोट करता है तो उसके मुकाबले में चाइना हमारा दोस्त है, उसी तरह तुर्की, उसी तरह मुस्लिम कंट्रीज़। लेकिन इशू ये है कि आज चाइना तो डे बाई डे आगे की तरफ जा रहा है तमाम तर इशू के बावजूद, और आपका पाकिस्तान जो अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है और एक एटमी मैं समझता हूँ कि पहला मुस्लिम कंट्री है जो दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है, और ये बहुत बड़ी बात है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, एक पाकिस्तान का बनना अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, और उसके बाद पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम डिक्लेयर करना, जब एटमी प्रोग्राम की बात हो रही थी और इंडिया ने 4 धमाके कर दिए थे 12 मई 1998 को, तो उस वक़्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान की आवाम परेशान थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर तमाम अदारों, अस्करी की आदत, तमाम अदारों को ऑन बोर्ड लेकर पाकिस्तान को एटमी ताकत डिक्लेयर किया। और आज मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उसी तरह हम समझते हैं कि मुल्क के ऊपर जो भी विराजमान हुकूमत जैसी भी है, वो 25 जुलाई 2018 का एक आरटीएस सिस्टम की कहानी और अलहदा है कि वो कैसे अबदि नहीं सो गया और आज तक सोया हुआ है, लेकिन देखना यह है कि कौमी इशूज़ पर हम गवर्नमेंट के साथ खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं, वो मकबूजा कश्मीर का इशू हो, वो इंडिया का इशू हो, या वो एनी हो फॉरन इशू जो भी होते हैं, वो FATF का इशू हो, हमने वोट दिया हमारा मजाक उड़ाया गया। आज भी मैं ये समझता हूँ कि जो शबाशी साहब ने बात एक साल पहले की थी मसाक मशीयत की, अगर वो बात करते जो पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बनता जा रहा था, जो आपका ग्रोथ रेट 5.8 था और पाकिस्तान के अंदर ज़र्ब अज़ब का जो आगाज़ हुआ था, जो दहशतगर्दी की वजह से हमारा फॉरनर जो टूर था वो पाकिस्तान नहीं आ रहा था, क्योंकि तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दी में शहीद हुए, 10,000 के करीब अफवाज पाकिस्तान के नौजवान बेटे शहीद हुए, बल्कि इस मौका पर मैं जो कल 3 शहीद बेटे अफवाज पाकिस्तान के बेटे शहीद हुए हैं उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ, उनके बुलंद दर्जात के लिए दबागो हूँ, और उनके जो वर्सा हैं उनको उनके वर्सा को अपने कायद मोहम्मद नवाशी साहब की तरफ से और शबाशी साहब की तरफ से उनको एप्रिसिएट भी करते हैं, और उनके दर्द उनके दुख दर्द में हम बराबर के शरीक हैं, हम दिली तौर पर अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान हम सब का है,
हकूमत और आपोजिशन शेख साहब लाजमो मुलजूम होते हैं। अगर 1973 का आयन पास हो सकता है, उस वक्त भी गवर्नमेंट और आपोजिशन इसी तरह थी, बल्कि इससे भी ज़्यादा कशीदगी हो सकती है। लेकिन अगर वो आयन के लिए उस वक्त की हकूमत जुल्फकार अली भट्टो साहब ने सबको इकट्ठा किया था, तो आज भी जैसे मियाँ नवाशी साहब ने 6 जून 2013 को प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एनर्जी क्राइसिस और दहशतगर्दी के इशू पर पूरी अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया था, और मियाँ नवाशी साहब खुद खान साहब की खास पर बनी गाला गए थे ताकि इश्यूज को टेकअप किया जाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपने बिजली या गैस की बात की, देखना 2008 से लेकर 2014-15 तक तो 16-18 घंटे की लोड शेडिंग थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बिजली मौजूद है। और अगर बिजली की लोड शेडिंग हो रही है कराची में या पंजाब या सिंध या खैबर पख्तूनख्वा में, तो मैं समझता हूँ कि वो वापडा का और मिनिस्ट्री का एक फेलियर है, जिसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और मैनेजमेंट होनी चाहिए, जब बिजली मौजूद है तो जो मैं समझता हूँ कि जो सिस्टम है उसके को अपडेट करना, उसको अपग्रेडेशन उसको करना, ये हमेशा। लेकिन राणा साहब ये भी तो देखिए ना कि जरा सी बारिश होती है हमारी बिजली बंद, जरा सी बारिश होती है हमारे गटर बंद, तो मतलब ये कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो सूबाई लेवल पर और फेडरल लेवल पर जो महकमों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है और जो चीज़ों को अपडेट नहीं करते, ये उसका नतीजा है जो सजा आवाम को मिलती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस पर इनको मेहरबानी फरमानी चाहिए, हुकूमत का या मिनिस्ट्री का फेलियर की सजा आवाम को नहीं मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये किसी भी सूरत मुनासिब नहीं। डॉक्टर साहब, आप चीन के साथ ताल्लुकात को किस नज़र से देखते हैं और पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात किस तरह के होने चाहिए, जब आप देखते हैं कि खत्ते के अंदर हालात तब्दील होते जा रहे हैं, एक ग्रुप बन रहा है जो अमरीका के साथ बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है जो चीन और रशिया के साथ बन रहा है, आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, ये चाइना हमारा हमसाया मुल्क है और एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, एक बहुत मजबूत मुल्क है। हमारी ज़रूरत है इस वक्त कि हम दोस्ताना ताल्लुकात के साथ एक दूसरे के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएं। सी पैक का प्रोजेक्ट है, हमारे ग्वादर के प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमें ये करने तो हैं। और अगर हम अकेले इसको तकमील तक नहीं ला सकते तो हम हमसायों की मदद से करें, लेकिन इस चीज़ को ख्याल रखें कि हमें एक मजबूत ताकत बनना है। हम अगर किसी का सहारा ले रहे हैं तो वो वक्ती होना चाहिए, ये मुस्तकिल ना हो। हम उनसे मदद लेके और अपने ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करें, लेकिन हम इस काबिल हों कि इन प्रोजेक्ट्स को हम कल को चला भी सकें और इनका दिफा भी कर सकें। एक जो चीज़ बाज़ लोगों के यहाँ एक इस तरह से है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना साबित हो, तो ये खदशा अपनी जगह मौजूद है। क्योंकि देखिए, दुनिया का कानून है, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा कि हम छोटी मछली ना बने। हमें एक ताकतवर कौम बनानी होगी, एक ताकतवर मुल्क बनाना होगा, अपनी कौम को तालीम देनी होगी, हुनर देना होगा, नज़्म व ज़ब्त लाना होगा। ये जो बात हो रही है कि बिजली चली जाती है, पानी जमा हो जाता है, कूड़े करकट के ढेर हैं, ये इदारों का फेलियर है। हमें इदारों को मजबूत करना होगा। इदारे मजबूत होंगे तो तमाम काम दुरुस्त हो जाएंगे और कौम तरक्की करेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, पिछले 7 सालों से मैं ये सुनता आ रहा हूँ कि अदारों को मजबूत करना है, अदारों को मजबूत फरिश्तों ने आके करना है। कैसे अदारे मजबूत हो पाएंगे? अभी तक तो नहीं हो पाए। खान साहब की हुकूमत को 2 साल हो चले हैं, लेकिन अभी तक अदारे मजबूत नहीं हो पाए। अगर ये नहीं कर पा रहे तो फिर उसके बाद कौन आएगा जो अदारों को मजबूत कर पाएगा? देखिए, अभी तक सदर अयूब खान के बाद मैं कहूँगा कि इदारों को मजबूत कोई भी नहीं कर पाया, क्योंकि इसका एक मेयार होता है। अगर मुल्क तरक्की कर रहा है, कौम मजबूत हो रही है, इसका मतलब इदारे मजबूत हो रहे हैं। और अगर कौम डूबती जा रही है, और इसका पैमाना हमारे पास एक होता है इंटरनेशनल करेंसी, उसके तो उसमें हम मंजर में देखते हैं कि अगर हमारा रुपया गिर रहा है, इसका मतलब है हम तनज़ुल की तरफ हैं। अगर हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है, हम तरक्की की तरफ हैं। तो अयूब खान के दौर तक स्टेबिलिटी थी, कायदे आज़म के दौर में डॉलर 1 रुपये का, लियाकत अली खान के दौर में डॉलर 1 रुपये का। उसके बाद वो क्राइसिस आए कि बहुत सारे वज़ीर आज़म जल्दी जल्दी बदले, और उस वक्त ये डॉलर 3 रुपये का हो गया। तो आप समझते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसकी एक वजह है?
अच्छा, जब अयूब खान आए 12 साल में डॉलर 3 रुपए का ही रहा, आखिरी दौर में जब क्राइसिस आए हैं और जिसकी वजह से फिर हुकूमत उनकी तब्दील हुई है, उस वक्त ये 4-5 रुपए का हुआ। उसके बाद जितनी हुकूमतें आई हैं सब में डॉलर बढ़ता ही गया है, यानी किसी भी दौर में मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आई, तरक्की नहीं हुई, हम तनज़ुल की तरफ ही गए हैं। तो जब तनज़ुल की तरफ जाते हैं इसका मतलब है कि हमारे इदारे वीक होते गए हैं, जब और अब तो इंतहा पे पहुंच गए हैं। अब देखिए कि कहीं भी आपको लॉ एंड ऑर्डर नज़र नहीं आता, कानून नज़र नहीं आता, इदारे काम करते नज़र नहीं आते। ये बिजली क्यों जाती है ज़रा सी बारिश हो तो, ये इदारे काम नहीं कर रहे। इदारे क्यों काम नहीं कर रहे? इदारों के साथ वो इंट्रैक्शन नहीं है। इदारों को एतमाद में लिया जाए, इदारों को टारगेट्स दिए जाएँ, इदारों पे एतमाद किया जाए और उनको अपने कौमी इदारे समझा जाए। हम सबको चोर समझते हैं, सबको डाकू लुटेरे समझते हैं और सबको मुल्क के दुश्मन समझते हैं। हम ही कहते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क के दुश्मन है और डबो रही है, हालांकि वो पाकिस्तानी है, हमसे ज़्यादा दर्द रखते हैं। नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, ब्यूरोक्रेसी ने आज तक पाकिस्तान को किस तरफ, आप खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान तजलील नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं गया। एक प्राइवेट अदारे के अंदर जिधर आम मुलाजमीन काम करते हैं वो अदारा तरक्की कर रहा होता है, जबकि पाकिस्तान जो इतनी बड़ी रियासत है उसके अंदर ये ब्यूरोक्रेसी तो हर जगह पे पाकिस्तान को नीचे डुबो रही है। आप कहते हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, ब्यूरोक्रेसी हुकूमत के मुलाजमीन है सर, सीएसएस पीसीएस मुलाजमीन, ये सारे के सारे मुलाजमीन अपने आप को बड़ा आलम फाजिल समझते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। स्टील मिल नीचे जा रही है, पीआईए नीचे जा रही है, कोई कौमी अदारा नीचे जा रहा है, तो अब मैं किस तरह मान लूं कि ये सारे के सारे पाकिस्तान की बेहतरी कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि बेहतरी कर रहे हैं, लेकिन देखिए वो आलम फाजिल आप कह रहे हैं, इसमें नो डाउट पाकिस्तान की क्रीम छटके जाती है सीएसएस में और फिर वो ब्यूरोक्रेसी मुल्क को संभालती है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में इतनी जहानत तो है कि वो समझ लेते हैं हुक्मरानों की नीयत क्या है। अगर हुक्मरानों की नीयत है मुल्क बनाने की तो वो मुल्क बनाएंगे, अगर हुक्मरानों की नीयत है अपने आप को बनाने की तो वो उनको बनाएंगे, क्योंकि वो हुकूमत के ताबे हैं। तो इसलिए वो अपनी नौकरी, वो रियासत के ताबे नहीं है वो, बल्कि जो भी हुकूमत आएगी उसके ताबे हैं, उसका हुक्म मानेंगे। रियासत हुकूमत के ताबे है, आपने रियासत के हुक्मरान मुकर्रर कर दिए वोट के जरिए किए, और जब आपने मुंतखब करके उनको मुकर्रर कर दिया तो वो उनके ताबे हैं, वो उनसे बगावत नहीं कर सकते, वो तो फिर हुक्मरानी हुकूमत की नाफरमानी हो जाएगी और नाफरमानी की तो सज़ा होती है। तो इदारों से काम लेना है तो इदारों को स्ट्रीम लाइन करना पड़ेगा, गाइडलाइंस देनी पड़ेंगी, उन पर एतमाद करना पड़ेगा। अब डायरेक्शन तो दी नहीं जाती, और इस वक्त जो हालात हैं वो तो कि सारे इदारे खौफजदा बैठे हैं कि अब अगर हमने कोई काम किया, कोई कलम चलाया तो हम नैब के हवाले हो जाएंगे, मारे जाएंगे, कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। लिहाजा सब अपनी अपनी नौकरियां बचा रहे हैं, अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं। इस इन हालात में पीआईए डूबेगी, स्टील मिल डूबेगी, मुल्क डूबेगा। आप उनको टारगेट्स दें कि जनाब ये आपका टारगेट है, आपने अचीव करना है, ना किया तो आपकी छुट्टी, फिर वो टारगेट अचीव ना करे तो। बिल्कुल सही। मुझे व्यूअर्स यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक।